जेकर तुसी भी ठंड दे विच छुट्टियां मनाउण दे लई मनाली या फिर क्रिसमस ते मनाली जान दी सोच रहे हो तां इह खबर तुहाडे लई बेहद अहम है, क्योंकि मनाली दे विच लंबा ते महा जाम लग्या होया। दस दिए कि वाहनां दी कतारां कई कई किलोमीटर तक देखियां गईयां ने, क्योंकि जेकर गल कीती जावे मनाली दे विच ताजा बर्फबारी हुई है ते अजिहे दे विच बर्फबारी दा लुत्फ लैण दे लई लोक वड्डी गिणती दे विच मनाली दा रुख करते हैं। पर इसे दौरान हुण तस्वीरां मनाली तो सामने आईयां ने जिथे कि महा जाम लग्या होया, वाहनां दीयां लंबियां कतारां कई कई किलोमीटर दूर तक देखियां गईयां ने, जिथे लोकां नूं इस दे नाल काफ़ी दिक्कतां दा सामना करना पै रहा, उत्थे ही स्थानक लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो दस दिए कि यह तस्वीरां मनाली तो सामने आईयां ने जिथे कि महा जाम लग्या होया है। आपका जो क्रिसमस और न्यू ईयर है, बल्कि क्रिसमस से पहले ही लोग आना शुरू हो गए हैं। पूरी तरह से मनाली एक तरह से पैक है, 90-95% के करीब टूरिस्ट मनाली आ रहा है। और जो आप कर रहे हैं वाइट क्रिसमस और वाइट स्नोफॉल की बात कर रहे हैं, वो पहाड़ियों में ऑलरेडी हो चुका है। आपका अटल टनल और ऊंची पहाड़ियों में आपको बर्फबारी दिख सकती है। आज भी मौसम काफ़ी खुशनुमार बना है, तो उम्मीद यही है कि आज और कल ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। टूरिस्ट आ सकता है, सुहावने मौसम का मज़ा ले सकता है, और उनका अगर भगवान ने सब कुछ चाहा तो मतलब कि बर्फबारी मनाली टाउन में भी जल्दी हो सकती है। देखिए पर्यटक तो काफ़ी आया हुआ है, जिसकी वजह से ये अमूमन हर साल ही ट्रैफिक न्यू ईयर और इस टाइम आता है हुआ है। इस बार फ्लड्स के बाद ये जो कंडीशन है वो काफ़ी आई है, काफ़ी राहत भरी सांस टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों ने ली हुई है। पर इसमें एक साइड इफेक्ट ये है कि जो आपका जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमियां हैं, क्योंकि इसमें रोड्स की भी कई कमियां रही है कि रोड्स कहीं ना कहीं सुचारू नहीं हो पाए हैं। एक जगह से काफ़ी सुचारू हो चुके हैं, बट कुछ एक जगह पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से कि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक वो सहन नहीं कर सकते हैं। कुछ एक आपके रोहतांग की तरफ जाएंगे तो BRO द्वारा रोड्स की कंडीशनिंग की जा रही है। सेम टूवर्ड्स कुल्लू भी कई जगह रोड्स के पैचेस हैं जिनको सुचारू करने की ज़रूरत है। इन पैचेस पे जब हल्का फुल्का काम चलता है तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन BRO और सबसे यही गुजारिश रहेगी कि जब अमूमन ये ट्रैफिक जाम ज़्यादा आता है, टूरिस्ट जब मनाली में ज़्यादा बढ़ता है, तो उस टाइम ये चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए या लेट नाइट करनी चाहिए जब ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो। अदरवाइज जो अगर ये काम करते रहेंगे जिस टाइम पीक आवर्स है टूरिस्ट का घूमने का, तो ऑब्वियस है ट्रैफिक जाम की व्यवस्था से तो आपको जूझना ही पड़ेगा। दूसरा, आपके पुलिस बल के पास भी एक प्रॉपर मैन पावर होनी चाहिए जो कि ट्रैफिक को अच्छी तरीके से व्यवस्थित करे। तो 22 तारीख को यहाँ पर 4000 के करीब गाड़ियाँ थी, परंतु अगर आज के आंकड़े लिए जाएं तो 12000 से ऊपर गाड़ियाँ मनाली में आ चुकी है। ये फिगर जो है ये करीब 4 गुना है। और आप जानते हैं कि डिजास्टर के बाद से मनाली में सड़कें भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं। 4 लेन का आपने देखा होगा कि 2 लेन तो चल रहा है पर 2 लेन हमारा डैमेज हो चुका है। कल यानी 25th को यहाँ पर क्रिसमस मनाया जाएगा और इसके बाद 31st को नया साल भी यहाँ पर अच्छे से मनाया जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक यहाँ पर विंटर कार्निवाल मनाया जाएगा। और अभी से जो है सैलानियों की संख्या मनाली में काफ़ी बढ़ चुकी है। यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी करने के लिए हमारे पास 70 होमगार्ड्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर पहुँच चुके हैं जिनको डिप्लॉय कर दिया गया है। और इसके अलावा जो हमारी एग्जिस्टिंग पुलिस की स्ट्रेंथ यहाँ पर है, उसके अलावा अलग से 2 रिजर्व्स अभी हमारे पास यहाँ पर आनी है, क्योंकि विधानसभा थी तो वहाँ पर हमारी मैक्सिमम पुलिस की जो फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय की गई थी। तो कल शाम तक हमारे पास 2 रिजर्व्स यहाँ पर आ जाएगी जिसको डिप्लॉय किया जाएगा। ट्रैफिक प्लान की बात है, हमने इससे पहले भी टूरिस्ट सीजन में मनाली को जो मनाली में ट्रैफिक का प्रेशर रहता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से 8 सेक्टर में डिवाइड किया था, और हर एक सेक्टर में हमने एक सेक्टर इंचार्ज लगाया था और उसी हिसाब से वहाँ पे जवानों की तैनाती भी की गई थी, और उनको अच्छे तरीके से ब्रीफ किया गया था कि अपनी ड्यूटी ठीक से करें, पंक्चुअल रहें ड्यूटी पर, और अच्छे से सैलानियों के साथ बातचीत करें, और साथ के साथ अगर आपके बीट में कोई आइडल पार्किंग होती है तो उसके खिलाफ भी नियम के तहत जो है कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। बाकी इसके अलावा हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे मनाली में 45 CCTV कैमरा पहले से इंस्टॉल थे, परंतु इस वर्ष हमने 43 नए CCTV कैमरा इंस्टॉल किए हैं, और सभी कैमरा ऐसे पॉइंट्स पे इंस्टॉल किए गए हैं जहां से हमारा ध्यान जो है टूरिस्ट के ऊपर बना रहे कि किस पॉइंट पे ज़्यादा कंजेशन हो रहा है या कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है,
और इसके अलावा जो ITMS कैमराज है वो भी हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं मनाली में, कटराई और हमारे ब्राहन के इलाके में। अगर कोई भी टूरिस्ट ट्रैफिक की वायलेशन करता है तो ITMS कैमरा के माध्यम से भी उनके चालान किए जा रहे हैं।